साल 2020 का आगाज हो चुका है और नए साल में टीम इंडिया शुरुआत करेगी श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से। और तीन मैचों की T20 सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम ने अपने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। इस टीम में श्रीलंका के पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज़ की वापसी हुई है। ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज़ चोट और फिटनेस की समस्या के कारण 18 महीनों से टीम से बाहर चल रहे थे। मैथ्यूज़ ने अपना आखिरी T20 मुकाबला अगस्त 2018 में खेला था। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज़ का पहला मुकाबला 5 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा, दूसरा T20 मुकाबला 7 जनवरी को इंदौर में और तीसरा T20 10 जनवरी को पुणे में खेला जाएगा। श्रीलंका की टीम का T20 में भारत के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। दोनों देशों के बीच 6 बायलेटरल सीरीज़ खेली गई हैं। टीम इंडिया ने 5 सीरीज़ जीती हैं और एक सीरीज़ बराबर रही थी, यानी श्रीलंकाई टीम भारतीय टीम से एक भी T20 सीरीज़ नहीं जीत पाई है। और पिछले साल दोनों टीमों के रिकॉर्ड को देखें तो भारत ने 74%, वहीं श्रीलंका ने 50% मुकाबले जीते हैं। अगर पिछले साल का दोनों टीमों का T20 रिकॉर्ड देखें तो भारत ने कुल 19 मुकाबले साल 2019 में खेले हैं, जिसमें भारत को 14 मैचों में जीत मिली है। और दूसरी तरफ श्रीलंका ने 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें श्रीलंका को 4 मुकाबलों में जीत मिली है और दोनों टीमों ने 4-4 मुकाबले हारे हैं। अगर दोनों टीमों का T20 रिकॉर्ड देखें तो अब तक दोनों टीमों ने 16 मैच खेले हैं, जिसमें 11 मुकाबले भारत ने जीते हैं, वहीं 5 मुकाबलों में श्रीलंका को जीत मिली है। अगर भारत यह तीनों T20 मैच जीत लेती है तो श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज़्यादा 14 मैच जीतने वाली टीम बन जाएगी। चलिए अब आपको बता देते हैं श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने जिन खिलाड़ियों को इस सीरीज़ के लिए चुना है उनके नाम क्या हैं। लसिथ मलिंगा को इस सीरीज़ के लिए कप्तानी सौंपी गई है और यह रही श्रीलंका की फुल टीम इस सीरीज़ के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप सभी को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।